how to fix Vivo Y19 system UI has stop problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है वीवो के सिस्टम यूआई का जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप भी वीवो का फ़ोन यूज़ करते होंगे तो दोस्तों उसमें आपको बेशक दिखाई देता होगा कभी कभी कि वीवो सिस्टम यूआई हैज़ बीन स्टॉप। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है, कैसे आप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आज के इस वीडियो पर दोस्तों हम ये सब डिस्कस करने वाले। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा और जब आप सॉल्यूशन को फॉलो कर लोगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो भी डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको पॉप अप करने ही वाला होता है या फिर आपको जो भी ये पॉप अप आने वाला होता है, तब आपका फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा लैग करते हैं, पूरा फ़ोन जो है हैंग हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एक पॉप अप शो किया जाते हैं, सिस्टम यूआई हैज़ स्टॉप। ठीक है, तो इस तरीके से ये एरर हो जाते हैं। तो अभी दोस्तों बात आते हैं इसको कैसे फिक्स करना है। ठीक है, तो फिक्स करने का तरीका मैं आपको वीडियो शुरू करने के बाद बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आइए वीडियो को भी जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जल्दी से जल्दी 5 लाख यहाँ पर पहुँचा दीजिए। और दोस्तों यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं उसके लिए दोस्तों हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर करना क्या होगा, ठीक है, इसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पर करना क्या होगा चलिए देखते हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों हम यहाँ सेटिंग पर जाते हैं, सबसे पहले सेटिंग पर जाते हैं और वहीं से दोस्तों हम सॉल्यूशन को कर लेते हैं। तो दोस्तों सेटिंग पर जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों आपको नीचे एप्लीकेशन एंड परमिशन उसमें क्लिक करना है। उसमें जैसे ही क्लिक करोगे आपको मिलेगा ऐप मैनेजर, तो ऐप मैनेजर पर जाके दोस्तों यहाँ पे आपको सिस्टम यूआई करके एक ऑप्शन मिलेगा, उसको सर्च करना है। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपको नीचे में जाना होगा, तो नीचे में दोस्तों चलिए सिस्टम यूआई पर जाते हैं। तो यदि हमें मिल जाते तो अच्छी बात है, नहीं मिलते तो दोस्तों हमें कुछ और तरीका यहाँ पर दोस्तों फॉलो करना होगा। सिस्टम यूआई का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, यानी कि आपको यहाँ जो ऊपर में 3 डॉट दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड टॉप में, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको शो सिस्टम पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे में जाना है, नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एस पर जाना होगा। ठीक है, सिस्टम यूआई PQRS, ठीक है, सिस्टम यहाँ पर हमें ज़रूर मिल जाएगा। तो ये रहा दोस्तों, आप देख सकते हैं सिस्टम UI, इसमें जाइए। इसमें जाने के बाद दोस्तों फोर स्टॉप करके ओके कर दीजिएगा। फोर स्टॉप करने के साथ ही साथ आप इंटरनल स्टोरेज पर जाइए और यहाँ पे दोस्तों आपको क्लियर डेटा का ऑप्शन मिल जाते हैं, तो क्लियर डेटा कीजिए, वरना दोस्तों आप इसको क्लियर कैश कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये करने के बाद दोस्तों आप सिंपली बैक कीजिए, बैक करने के बाद मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों मोबाइल का स्पेस फुल है तो भी दोस्तों आपको थोड़ा बहुत स्पेस जो है वो क्लियर अप करना होगा। ठीक है, तो ये सब दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप सिस्टम अपडेट पर जाइए और अपना जो सिस्टम है उसको भी अपडेट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगा द सिस्टम इज ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन, तो मैंने ऑलरेडी अपडेट कर चुका है, तो जाके आप भी अपडेट कीजिए अपने सिस्टम को। अपडेट करने के साथ ही साथ आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सिस्टम यूआई का प्रॉब्लम चला जाएगा। ठीक है, तो बस आप ये सॉल्यूशन यहाँ पर कर सकते हैं, इसके बाद दोस्तों कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं आएगा। यदि ये दोस्तों कीप ऑन रिपीटिंग करते रहते हैं तो दोस्तों आप उन एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कीजिए। ठीक है, उन एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कीजिए जो आपके फ़ोन को लैग करवा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी कोई एप्लीकेशन यूज़ करते वक्त आपको आपका जो फ़ोन है उसमें लैग करते हैं तो आपको ऊपर में एक शो करेगा अन बिहेव ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, और मिस बिहेव, तो इस तरह का कोई पॉपअप आपको ऊपर में आ जाते हैं, तो आप दोस्तों उन एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करें, इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो बस आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। यदि ये प्रॉब्लम जो है जा ही नहीं रहा है तो आप मोबाइल को एक बार फैक्ट्री रीसेट करके देखें, कम्प्लीटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये है दोस्तों सॉल्यूशन। यदि आपको कोई भी कॉन्फ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम दोबारा से आ जाते हैं सॉल्यूशन करने के बाद भी,
तो दोस्तों आप दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, कि आपको प्रॉब्लम एग्जैक्ट किस तरीके से हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, वो सब हमें बताएं। और एक जाते जाते मैं आपको लास्ट चीज़ बता जाऊंगा। मान लीजिए आप दोस्तों यहाँ पर पबजी खेल रहा है, ठीक है, तो पबजी को छोड़िए, यहाँ पर पबजी बैन हो चुका है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आप ये गेम खेल रहा है, ठीक है, ग्रैंड ट्रक सिमुलेटर। तो ये गेम खेलते खेलते दोस्तों आपको बताते हैं कि सिस्टम यूआई हैज़ बीन स्टॉप, ठीक है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, सिस्टम यूआई को जाके एक बार क्लियर डेटा करने की कोशिश कीजिए, क्लियर कैश करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और फोर स्टॉप कीजिए। उसके साथ ही साथ आपको ये जो प्रॉब्लम है, ये ग्रैंड ट्रक उसमें भी आ रहा है, ठीक है, ग्रैंड ट्रक सिम्युलेटर, तो उसको यूज़ करते वक्त आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि आपको उस ऐप को भी जाके क्लियर डेटा करना होगा, ठीक है। तो प्रोसेस सेम है क्लियर डेटा करने का, सिंपली जाइए ऐप मैनेजर पे और क्लियर डेटा कर दीजिए उस गेम का, तो आपका प्रॉब्लम इससे भी फिक्स हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो पर बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।